नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही, अगले 12 घंटों के दौरान बहुत खराब रहेगा मौसम का मिजाज, जारी की गई है चेतावनी। दोस्तों मैं आपको बता दें कि पश्चिम मध्य और उसके आसपास दक्षिण पश्चिम अरब सागर में अगले 12 घंटों के दौरान समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोणक, गोवा और तेलंगाना के शेष हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहा। पंजाब के अमृतसर में कम तापमान यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों में घने से अधिक घना कोहरा छाया रहा, जबकि उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों में मध्यम कोहरा छाया रहा। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, पश्चिम मेघालय, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जताया गया। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, राज्यसभा में नागरिकता विधेयक की अग्नि परीक्षा आज, यहां पारित हुआ तो बदलेगा कानून। लोकसभा में पहली परीक्षा पास करने के बाद नागरिकता संशोधन बिल अब सरकार की अग्नि परीक्षा बुधवार को होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, हैदराबाद मुठ बेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस द्वारा किए गए हैदराबाद मुठ बेड मामले की आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के वकील जी ऐसे मणि के अनुरोध का संज्ञान लिया था। मणि ने कहा था कि इस मुठ भेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुई हवा, बड़ी ठंड, श्वास रोगियों को दवा साथ लेकर चलने की सलाह दी गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, आज राज्यसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन का ऐलान, त्रिपुरा में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दें कि बिल के विरोध में दिल्ली से असम तक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने आज इस बिल के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वही पूर्वोत्तर में बिल के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे सामान्य जनजीवन ठप हो गए। आपको बता दें कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के बाद आज सरकार राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने वाली है। बिल पर चर्चा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बहस के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया।